सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपके पास भी एक ईएसआईसी नंबर है, जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपके पास ईएसआईसी नंबर है तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ईएसआईसी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया गया है जिसका काफी लोगों को इंतजार था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक पोर्टल देख सकते हैं जो कि हमारे सामने ओपन हुआ है। फ्रेंड्स, ये एक पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल है। इस यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है ईएसआईसी से रिलेटेड तो आप कंप्लेंट कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी लोगों का इंतजार था, काफी लोग कमेंट भर भर के करते थे कि जैसे कि हम पीएफ से रिलेटेड कोई भी समस्या होती थी तो हम यहाँ पे ईपीएफ आईजीएमएस पे जाकर के ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स ये पीएफ से रिलेटेड के लिए था। अभी ईएसआईसी के लिए अभी हाल ही में ये लॉन्च हुआ है, आप देख सकते हैं ये पोर्टल ग्रीवेंस पोर्टल स्पेशल ईएसआईसी के लिए ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको ये पोर्टल कहाँ से मिलेगा, आपको अपने ब्राउजर ओपन कर लेना है मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप में। फ्रेंड्स, ब्राउजर में आपको टाइप करना है यहाँ पे ईएसआईसी ग्रीवेंस, जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे पहली वेबसाइट आपको ये देखने को मिल रही है, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके की जो वेबसाइट है ओपन होकर के आ चुकी है। फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट है वो इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में अभी आप एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंग्लिश पे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी वेबसाइट इंग्लिश में हो गई है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में आप पढ़ के और यहाँ पे सारे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हिंदी में आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि नहीं हिंदी में आपको यूज करना है, तो काफी ज्यादा सिंपल इंटरफेस बनाया गया है, आपको हिंदी पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप हिंदी पे करेंगे तो यहाँ पे सब चीजें हिंदी पे देखने को मिल जाएंगी, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब हिंदी में आपको देखने को मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे हिंदी में हो चुका है। हालांकि फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप इस पेज पे आ सकते हैं अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म है। अब यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन, यदि आप एक इंप्लॉई हैं, आपके पास आपका ईएसआईसी नंबर है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर इंप्लॉयर है तो इंप्लॉयर के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईपीएफ में भी कंडीशन दी हुई थी पीएफ मेंबर, और पीएफ मेंबर यदि आप एक इंप्लॉई है तो आपको पीएफ मेंबर सेलेक्ट करना होता था। यहाँ पे ईपीएस पेंशनर्स और इंप्लॉयर का ऑप्शन और अदर का दिया हुआ था, तो ये सेम चीज यहाँ भी दी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि आप इंश्योर्ड पर्सन है, यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन बोला जा रहा है इंप्लॉय को, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉयर के लिए ये वाला ऑप्शन है ही है। बाकी जनरल पब्लिक जिनके पास ईएसआईसी का नंबर नहीं है वो लोग भी यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत अपनी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं कोई शिकायत है आपको करनी चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि ये ऑप्शन आपको पीएफ के ऑप्शन पे भी देखने को मिल जाता है, अदर्स के नाम से यहाँ से आप कर पाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन से आप कर पाएंगे, अगर इंप्लॉई है तो, इंप्लॉयर नहीं है तो। देखिए, अगर जनरल से आप करते हैं और इंश्योर्ड पर्सन से करते हैं तो दोनों में एक बहुत ही बड़ा अंतर है जो कि आपको देखने को यहाँ मिलेगा। देखिए, अगर आप जनरल पब्लिक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आईपी एड्रेस जो आपका ईएसआईसी नंबर है वो लिखने का ऑप्शन नहीं आता है। अगर जैसे ही आप इंश्योर्ड पर्सन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बीमित व्यक्ति संख्या, जो कि आपका ईएसआईसी नंबर ही होता है वो ही आपको लिखना होता है। तो अगर जनरल पब्लिक सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हट जाएगा, आप देख सकते हैं जनरल पब्लिक में ही हट जाएगा। बाकी हम चलिए इंश्योर्ड पर्सन में ही सेलेक्ट करके और चीजें देख लेते हैं क्या क्या आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना ईएसआईसी नंबर फिल कर लेना है पूरा पूरा, अगर नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हालांकि आप अपने इंप्लॉयर से ले सकते हैं, मांग सकते हैं, कभी भी आपका इंप्लॉयर दे देगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे शिकायतकर्ता का नाम, जो भी ये आईपी है उनका नाम यहाँ पे लिख लेना है, या फिर जो भी शिकायत कर रहे हैं। हालांकि आप अपना जो ईएसआईसी नंबर लिख रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आप ही यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं, भले ही आप किसी शॉप से यहाँ पे फॉर्म फिल करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, तो आपको अपना नाम ही लिखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख लेना है, उसके बाद से पिन कोड लिख लेना है। अब यहाँ पे काफी लोग ये कंफ्यूज रहेंगे करेंट लिखना है या परमानेंट, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं दिया हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे परमानेंट ही लिख लेना चाहिए। उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्या आप पासवर्ड चाहते हैं जो भी ग्रीवेंस रजिस्टर करेंगे, क्योंकि यदि पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं तो जब भी इसका स्टेटस चेक करेंगे तो पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब नो पे बाय डिफॉल्ट सेट है, आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे पासवर्ड आपको एंटर करना है, नया पासवर्ड पुष्टि करना है,
बाकी यहाँ पे पासवर्ड क्ल्यू दिया हुआ है, और उसके बाद से ईमेल देखिए यहाँ पे नो कर देते हैं अभी के समय में, और उसके बाद से यहाँ पे ईमेल आपको लिखना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ईमेल आईडी दे रहा कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर भी कंपलसरी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। देखिए जो जो कंपलसरी है वहाँ पे, यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, जहाँ पे स्टार मार्क नहीं है उसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे दे भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए देखिए ये कंपलसरी है, सभी के सभी स्टार मार्क लगा, ये सभी कंपलसरी है। अब किसके खिलाफ आप करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, इंप्लॉयर के खिलाफ करना चाहते हैं, इंप्लॉयर कोई दिक्कत कर रहा है, या फिर गवर्नमेंट इंप्लॉय या ऑफिस आपको मेडिसिन में कोई दिक्कत हो रही है, या फिर जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉय है जैसे डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट है जहां पे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत आ रही है। काफी लोगों की समस्या होती थी कि सर डॉक्टर्स काफी ज्यादा बिहेवियर खराब है, या फिर कुछ अलग तरीके से आपसे पेश आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। काफी लोग पूछते थे कि उनके खिलाफ हम कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है। हेल्थ बेनिफिट आपको पूरी तरह से ठीक से नहीं मिल रही है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा जो कि इनमें नहीं दिया हुआ है इसके अलावा आप करना चाहते हैं तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए और कर पाएंगे। उसके बाद से फ्रेंड देखिए कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा, मेडिकल नॉन मेडिकल और भी आगे आने वाले समय में जुड़ सकते हैं यहाँ पे, आपको उसमें से चूज करना है जो भी आपसे रिलेटेड। रिलेवेंस की कैटेगरी हम चूज कर लेते हैं चलिए, या मेडिकल देखिए अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा, देखिए हमने यहाँ पे कैटेगरी नहीं चूज किया और लास्ट वाला करेंगे तो यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। ग्रीवेंस कैटेगरी पहले आपको चूज करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, तो पहले आपको कैटेगरी चूज करना है उसके बाद से ही आपको अगला स्टेप फॉलो करना है, अन्यथा एरर देखने को मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे मेडिकल कर लेते हैं, उसके बाद से राज्य आपको चूज कर लेना है किस राज्य से है, तो हरियाणा में चूज कर लेता हूँ। और उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे स्थान का प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल हॉस्पिटल ईएसआईसी हॉस्पिटल, चलिए मैं ईएसआईसी हॉस्पिटल यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। स्थान यहाँ पे सभी ब्रांच दिख जाएंगे जो भी अवेलेबल हैं, आप इस लिस्ट में से चूज कर लीजिए। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे शिकायत का ब्यूरो, देखिए शिकायत ब्यूरो आपको लिख लेना है, ये जो ब्यूरो है वो मैक्सिमम इसकी दी हुई है लेंथ वो 5000 अक्षर में आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 5000 लिखना ही लिखना है, आपका अगर कम में भी हो जाता है तो कम में लिखिए, जितने में इसके अंदर में ही आपको लिखना है, जो भी है सब चीज यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद से फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फाइल अपलोड करने का ऑप्शन, क्योंकि देखिए काफी लोग अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं तो उनके पास कोई रिकॉर्ड रहता है और उससे रिलेटेड ही कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो पहले तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे और यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यस यदि करेंगे बाय डिफॉल्ट नो है तो आप नहीं कर पाएंगे, यस करेंगे तो यहाँ पे एड रो करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डिलीट भी आप कर सकते हैं यहाँ से, एड करेंगे तो यहाँ से आप अपना ब्यूरट दे सकते हैं जो भी है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्लिप है, दवाई की पर्ची है, जो भी है आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे चूज फाइल करेंगे तो आपका जिस भी फोल्डर में रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, चलिए मैं चूज कर लेता हूँ कुछ। देखिए यहाँ पे फाइल की साइज भी आपको देखने को मिलेगी कि 1 MB से नीचे का होना चाहिए, देखिए ये चीज आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पे हम 1 MB से नीचे कोई भी चूज कर लेते हैं। यहाँ पे पीडीएफ फाइल तो अपलोड हो चुका है, हम देख लेते हैं कि इसके अलावा पीडीएफ के अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए चूज फाइल पे करेंगे और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ भी सिलेक्ट, तो चलिए ये चीज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको वो ही फाइल सेलेक्ट करना है जो कि आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे जेपीजी भी सेलेक्ट हो रहा है, अपलोड हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ फाइल की डेफिनेशन नहीं दी हुई है मुझे जहां तक देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में कुछ डेफिनेशन यहाँ पे आती है तो जो मैं जरूर बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइल की साइज मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है, 1 MB से ज्यादा आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद से यहाँ पे एड रो करके और भी कर सकते हैं। देखिए ये सीरियल नंबर, 1 नंबर फाइल आपने अपलोड कर दिया है, 2 नंबर कर लिया है, अब अगर आपको चाहिए कि नहीं 1 नंबर वाला डिलीट करना है, 2 नंबर वाला रहने देना है, 3-4 आपने कर लिया है तो उसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर को हमने सेलेक्ट किया और उस जिसको सेलेक्ट करेंगे वो ही डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सबको डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने डिलीट कर लिया है। अभी उसके बाद से यहाँ पे नो कर लेते हैं, हमें कोई भी अपलोड नहीं करना है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो वर्ड दिखाया गया है वो ही आपको यहाँ पे फिल कर देना है, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि नहीं ये जो भी लिखा हुआ है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हमें दूसरा ही लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको फिल कर लेना, उसके बाद से यहाँ पे जमा करें, जमा करें पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, साफ करें मतलब कि कुछ गलत हो गया है तो
वो बिल्कुल साफ ही हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, इसको ओके करेंगे सब कुछ साफ हो जाएगा, नए सिरे से हो जाएगा, और रद्द करें पे करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हालांकि इंग्लिश में हम फटाफट देख लेते हैं, इंग्लिश में यदि आप चेंज करेंगे तो कुछ चीजें बदल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। जैसे सबमिट हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन नंबर देखने को मिल रहा है और बाकी यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सबमिट करेगा हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू स्टेटस देख सकते हैं। इसका स्टेटस यदि आपका सबमिट हो जाएगा तो एक ग्रीवेंस नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपने पासवर्ड सेट किया हुआ, देखिए इफ एनी, ये ऑप्शनल है, यदि किया हुआ है तो ही आपको एंटर करना है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद से यहाँ पे आपको ये कोड एंटर करना, सबमिट कर देना, स्टेटस दिख जाएगा भैया क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। उसके बाद से फ्रेंड्स यदि आपको लगता है नहीं पासवर्ड चेंज करना चाहिए, काफी दिन हो गए ग्रीवेंस को अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रीवेंस नंबर आपको एंटर कर लेना है, और उसके बाद से यहाँ पे पासवर्ड आपको ओल्ड वाला एंटर करना है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो नंबर दिख रहा है वो एंटर करना है, सबमिट कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो भैया यहाँ से फॉरगेट का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको ग्रीवेंस नंबर एंटर करना है और ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स यदि आपको इस प्रोसेस में कहीं भी किसी पर कोई भी इशू आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है कि नहीं रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। हालांकि इसका फुल प्रूफ वीडियो भी मैं जल्द से जल्द चैनल पर अपलोड कर दूंगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फ्री आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।